नमस्कार, इंडिया ट्रैप न्यूज में आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित प्रधान ममता यादव व रामायण यादव बोले गांव का विकास लक्ष्य। बलिया हनुमानगंज ब्लॉक की ग्राम सभा पटखौली नगरी से नवनिर्वाचित प्रधान ममता यादव हुई। आपको बता दें कि बहुमत से नवनिर्वाचित प्रधान ममता यादव की जीत हुई है और पटखौली नगरी गांव में जीत हासिल हुई है। नवनिर्वाचित प्रधान ममता यादव व रामायण यादव ने बताया कि पटखौली नगरी की एक अलग पहचान होगी। गांव की जनता ने जिस विश्वास पर आशीर्वाद प्रदान किया उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। ममता यादव व रामायण यादव नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा, गांव का विकास ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए हर संभव कोशिश रहेगी। ईमानदारी के साथ सरकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुँचाना मेरा। मैं रामायण यादव ग्राम पटखौली नगरी प्रधान प्रतिनिधि बोल रहा हूँ जी। कितने ऑटो चार्जित हुए थे? 48 ऑटो से हमने चुनाव जीता था जी। कितने प्रत्याशी आपके यहाँ खड़े थे? हमारे यहाँ 15 प्रत्याशी थे। 15 कितनी आबादी है? 3015 समथिंग है। कितनी पोलिंग हो गई थी? 2000 समथिंग पोलिंग हुई थी जी। शपथ हो गया? शपथ हो गया जी। पहली बार प्रधानी आपकी है जी? पहली बार जी। तो हम जानना चाहते हैं, गांव की जनता ने आपको एक गांव का सेवा करने का मौका दिए, तो किस तरह विकास कार्य करेंगे? देखिए, गांव की जनता, सबसे पहले मैं गांव की जनता को धन्यवाद देता हूं कि इस गांव के जनता ने मुझे प्रतिनिधित्व करके गांव की सेवा करने का मौका दिया। जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी उस तहत गाँव का जो है कि विकास करने का काम करूँगा जी। हर प्रधान की या कुछ प्रधानों की इज्जत पाश होती है, हम अपने ग्राम सभा में ऐसा कार्य करें ताकि जिले में चाहे ब्लॉक में भी नाम हो। जैसे कि आपके ही बगल में कोई गांव है, जैसे राय शायद, जिसकी आबादी कम है परंतु पंचायती धन से कम आया, उन्होंने सांसद विधायक तमाम तरह के प्रत्याशी का धन लाया। हमने पहले भी बता चुका है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं आएगी हम प्रयास करेंगे कि जिला पंचायत हो, विधायकी हो, सांसदी हो, अदर भी निधियों से पैसा लाकर मैं गांव का विकास करूं, ताकि इसके बाद से ऐसा कुछ कर दूं ताकि दूसरे पर लोगों का मन किसी तरह का भावनाएं न जाएं कि प्रधान प्रतिनिधि का जो है कि प्रधान पद का किसी योग्य समझे जी। हम जानना चाहते हैं आपके ग्राम सभा में कोरोना से मौत हुई है अभी? देखिए, चूंकि हमारे यहाँ सर्टिफाइड नहीं हो चुका है कि मौत हुई, आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौत तो कुछ हुई है लेकिन वो आपातकाल अपनी मौत से हुई, मैं पुष्टि नहीं हुई, नहीं कोई पुष्टि नहीं हुई ना कि कोई सरकार का ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो कि कोरोना से पीड़ित हैं जी। इसलिए कि हमारे ग्राम सभा में पहले से मैं लोगों को जागृत करता रहता हूं कि भाई आप कोरोना हमारी सरकार की योजना है, हमारे देश में चल रहा है, इसे आप ये चीज लेंगे तो आप उससे वंचित रहेंगे जी। आपके ग्राम सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास न रहने का छत हो, न राशन कार्ड हो, कोई पहचान नहीं है, उसकी लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें सब बंद चल रही हैं, तो भुखमरी की शिकार ऐसा कोई है? देखिए, अब चूंकि ऐसी चीज है तो सरकार की हर योजनाओं के तहत हमने जोड़ कर रखा है, अगर भूल चूक से कोई गांव ग्राम सभा में छूटा हो तो ऐसे हमें नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर उसको मैं सरकार की हर योजनाओं से जोड़ने की काम करूंगा, इसलिए कि मैं एक एक व्यक्ति को जोड़कर सरकार की योजनाओं के तहत ला चुका। जैसे अभी लॉकडाउन में भी राशन ने 3 महीने का राशन फ्री किया है, परंतु जिसके पास राशन कार्ड रहेगा वही उठाएगा, परंतु जिसके पास राशन कार्ड ही नहीं है तो कहाँ से उठाएगा? तो जिसके लिए सरकार ने पहल की है जिला डीएम के यहाँ, अगर कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो, भुखमरी से न मुश्किल हो, दोनों टाइम खाना को व्यवस्था करेगी वो। ठीक है, हमने फर्स्ट में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से समथिंग 1 साल से ऊपर जा रहा है, हमने एक एक लोगों को अपने संज्ञान में लेकर इस तरह के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जो है कि किसी न किसी योजनाओं को लेकर लाभान्वित उनको किए हैं। मुझे अपने पास से करना पड़ा या किसी लोगों के सहयोग से करना पड़ा, कुटदार के सहयोग से करना पड़ा, किसी न किसी तहत मैं उनको जो है कि खाने पीने की व्यवस्था करा चुका हूँ जी। हम आपसे भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रधान होते हैं जो जीतने के बाद वो भेदभाव कर रखते हैं, या कहीं सुनने में भी आया, कहीं देखने में भी आया। देखिए, प्रधान पद ऐसा होता है कि जब प्रधान पद लोग जीत जाते हैं तो उनके लिए किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, आना होता है, इसलिए कि किसी का वोट होता है, किसी का आशीर्वाद होता है, क्या किसी का प्यार होता है, इससे सब जो है कि गांव का प्रधान बनता है। तो हमें लग रहा है कि पूरे लोग मुझे कुछ लोग वोट दिए, कुछ लोग आशीर्वाद दिए,
कुछ लोग प्यार भरे आशीर्वाद दिए जिससे कि मैं प्रधान हूँ जी। इसका मतलब ये है कि आप सबके लिए एक सम्मान कार्य करेंगे और उनके विश्वास से वह 5 साल खा रहेंगे आप लोग। 5 साल तो है ही है, 5 साल तो मुझे जनता ने विश्वास दे ही चुका है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 25 साल से नीचे मैं किसी का विश्वास अस्त न करूँ, विश्वास करता ही रहूँ कि मुझे 25 साल से ऊपर ही लोग प्रधान बनाए। ये आपके द्वारा कुछ संदेश है अपने ग्रामवासियों के लिए भी, आपको हमारे पे भी और निकलो भी? हम ये कहें ग्राम सभा के सब जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, कि इस समय थोड़ी सी सरकार की व्यवस्थाएं कोरोना से जूझ रहा है, सभी लोग सरकार की बातों को, सरकार की मंशा को पहल करें और उसके तहत चलें। कम से कम समय निकालें बाहर निकलने के लिए, जो भी सरकार जिस तरह का निर्देश दे रही है उसका पालन करें, जैसे गर्म पानी पीना, ये काढ़ा पीना, इत्यादि ऐसे भोजन न करें जिससे कि संक्रामित हो सके। आपके कुछ मांगे हैं सरकार से चैनल के माध्यम से हमारे? नहीं, सरकार से हमारी मांगे तो है ही है, हमारे सरकार के माध्यम में मांग है कि हमारे ग्राम सभा में देखिए सबसे पहले दो चीज़ की बड़ा ही दुखी है, एक तो हमारे ग्राम सभा में नाली की बड़ी अव्यवस्था है, दूसरा शिक्षा का थोड़ा सा व्यवस्था हमारे यहाँ कम है, उसमें हम प्रयास करेंगे कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा और ये नाली के ऊपर हम जो अगर सरकार से मांग करते हैं इसको इस ग्राम सभा के लिए पूर्ति करें।